एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही to make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लौट आया हूँ एक और न्यू धमाकेदार वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे और ना कि मैंने भी आप लोगों से वादा किया था कि मैं 1K के बाद अपनी रियल आईडी से खेलूँगा, तो हाँ रियल आईडी रिवील करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी रियल आईडी। इस आईडी का नाम है TRS ड्रॉन्जर। हम लोगों की क्लैन है TRS, जिसका मैं भी एक एलाइट मेम्बर हूँ। तो आ जाते हैं सबसे पहले कि हर कोई इस बार मुझसे पूछ रहा था कि आपने इस सीज़न कॉन्करर क्यों नहीं कर रहे हो, और मैं उन लोगों को जवाब दे रहा था कि मुझे सिर्फ टाइम वेस्ट लगता है कॉन्करर करना। तो मैं किस वजह से दे रहा था आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं एडिट के अंदर और अवतार फ्रेम के अंदर हम लोग आ जाते हैं। तो अवतार फ्रेम के अंदर जैसे ही मैं टैप करूँगा, आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फ्रेम्स मेरे खुल चुके हैं। सीज़न 6 का फ्रेम खुल चुका है, सीज़न 7 का फ्रेम खुल चुका है और सीज़न 8 का भी फ्रेम खुल चुका है, क्योंकि मैंने इन तीनों सीजन्स में कॉन्करर किया हुआ है। सीज़न 6 का मैंने स्क्वाड में किया था, सीज़न 7 का मैंने डुओ में किया था, और सीज़न 8 भी मुझे लग रहा है मैंने डुओ ही में किया हुआ है। मुझे याद है डुओ में ही किया हुआ है मैंने, स्क्वाड और डुओ में मैंने किया है, सोलो में नहीं किया क्योंकि सोलो में मुझे मज़ा नहीं आती है, डुओ और स्क्वाड में ही मज़ा आती है। स्क्वाड में मायने रखता है करना, तो इसीलिए मैंने सबसे पहला वाला जो सीज़न 6 का था वो मैंने डुओ में किया हुआ था। तो आप लोगों को दिखा देते हैं मैं सीज़न 6 से खेल रहा हूँ। सीज़न 6 में मैंने बहुत सारे मैच खेले हैं, देख रहे 1700 मैच मैंने खेले हैं, और 3.5 की KD थी तब, शुरुआत ही किया था मैंने खेलना, तो इतना अच्छा मैं खास खेल भी नहीं पाता था। और सीज़न 8 में भी, सीज़न 7 में भी कम से कम 1000 मैच खेले हैं। कॉन्करर पुश करने में तो टाइम तो लगता है भाई लोग। सीज़न 8 की स्टैटिक्स जो मैं खेल रहा था, तो मैं TRS गेमिंग वाले पे सीज़न 8 से खेल रहा हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया हूँ। इसकी KD में सिर्फ 250 ही मैच खेल पाया इसमें, तो 4 की KD बन पाई है इसमें। ज़्यादातर मैं TRS गेमिंग वाले पे ही दे रहा था, इसमें मैंने 7 की KD बनाई हुई थी, क्योंकि सीज़न 8 का मैं उसी में मैंने पूरा किया है, तो उसमें 7 की KD बनी हुई थी, आप लोग जानते ही हो। आ जाते हैं अब इन्वेंट्री। तो मैं सीज़न 6 से खेल रहा हूँ, तो मैंने हर रॉयल पास की जहाँ तक ड्रेस ली ही हुई है, और क्रेड्स की भी बहुत सारी ड्रेस परमानेंट मुझे मिली है, और 90 बीसी की मैं हर महीने वाली जो ड्रेस है उसे ख़रीदता ही हूँ अगर मुझे अच्छी लगती है तो। तो आ जाते हैं सबसे पहले कुछ ड्रेसेस पे। बहुत सारी ड्रेसेस इसमें दिख रही होंगी आप लोगों को, जो कि नॉर्मल भी होती हैं सबके पास, पर कुछ ड्रेसेस में नहीं होंगी आप लोगों के पास जो आप लोग 90 बीसी की नहीं ख़रीदते होंगे। जैसे अली ड्रेस है पिछले ही महीने रॉयल पास में, ये अली जो ड्रेस है ये मेरी फर्स्ट रॉयल पास की ड्रेस है, मैंने सब फर्स्ट रॉयल पास मिली थी ये वाली और ये वाली। जब मैंने पहला रॉयल पास खरीदा था तब मुझे ये वाली ड्रेस मिली हुई थी, बहुत अच्छी लगती है ड्रेस ये दोनों मुझे, और ये डक वाली भी इतनी कुछ पिछले ही अभी महीने की है शायद आई हुई थी, और ये डक वाली तो मुझे परमानेंट मिली थी रेडीम में आई हुई थी, और ये ड्रेस 90 बीसीज वाली हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ली ये वाली, और एक वाइट वाली भी आई हुई थी ये वाली जो कि 90 बीसीज में आई हुई थी और मुझे अच्छी लगी तो मैंने तुरंत ही ख़रीद लिया। ड्रेसेस बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं पहनता भी हूँ इसमें जो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ड्रेसें ऐसी भी हैं जो इतनी कुछ खास नहीं लगती हैं, तो वो सिर्फ इन्वेंट्री में पड़ी रहने के लिए हैं। जैसे कि ये वाइट वाली है, ये वाली है, ये है वाली कौन पहनता है भाई, ड्रैगन वाली इतनी, और ये वाली ड्रेस तो भाई तहलका आई हुई थी, पूरे रॉयल पास में एक ही ड्रेस बहुत अच्छी आई हुई थी, और ये वाली भी मुझे रेडी में परमानेंट मिली थी, तो कुछ खास अच्छी लगती नहीं मुझे ये, क्या कहते हैं इसे, कुछ कहते हैं इसका नाम है जिसको कहते हैं ड्रेस, और इसमें टोपीज में बहुत सारे पड़े हुए हैं चीज़ें जो भी मिलते हुए हैं, चश्मा इसमें पूरे में चश्मा, ये वाला बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोग को चश्मा कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और इसमें भी ड्रेसेस बहुत, इसमें भी बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं जो मैंने BS से ख़रीदी हैं, बहुत सारी ड्रेस 5-6 हज़ार BS पे मिलती हैं, तो उनमें भी बहुत सारी मैंने ड्रेसेस ख़रीद के रखी थी। तो आ जाते हैं पैंट्स पे और शर्ट्स पे, यही सब है। पैंट पे भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो कि रॉयल पास में आई हुई थी, तो वो सब भी परमानेंट मिलती हैं। जैसे ये रेड वाला एक पैंट है, और ये वाली जो आई हुई थी सेकंड नंबर वाली, ये भी सब रॉयल पास में ही मिली हुई थी। बाकी जूतों में आ जाते हैं, जूते भी ऐसे ही हैं। अब आ जाते हैं मेन हेलमेट्स पर। हेलमेट ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और मेरे पास कितने 7 स्किन है हेलमेट की। सबसे पहले स्किन ये जो वाइट वाली थी, ये मेरी सबसे पहली स्किन थी हेलमेट की, और ये वाला तो भाई कतई जहर ही लगता है मुझे, ये वाला और वाइट वाला, और इसके बाद वाला ये जो मुर्गे वाला आया हुआ था ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आ जाते हैं बैग्स पर। बैग्स की स्किन मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, 7-8 पड़ी हुई है बैग की स्किन।
बहुत सारी स्किन जिसमें भी जिस रॉयल पास में भी आई हुई है बैग्स की स्किन, तो वो तो मिली है। बाकी जो भी क्रेट से आई हुई थी वो भी मैंने इकट्ठा किया ही हुआ है लगभग। तो देख सकते हैं आप लोग, बताइएगा कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कौन सी बैग्स की स्किन सबसे अच्छी लगती है। जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड नंबर पर डाल के कमेंट कीजिएगा आप लोग। वहाँ जाते हैं गन की स्किन पर, तो मेरे पास AKM की स्किन पड़ी हुई है, 4 स्किन पड़ी हुई है जो कि बहुत अच्छी लगती है रॉयल पास में, जिसमें भी दिया हुआ है। इसमें सबसे अच्छी मुझे लगती है वो गोल्डन स्किन लगती है, मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है इस गोल्डन स्किन को और मुझे सच्ची बता रहा हूँ बहुत अच्छी लगती है AKM की गोल्डन स्किन। और स्कारल में आ जाते हैं, स्कारल की 4 स्किन मेरे पास पड़ी हुई हैं जो कि रॉयल पासेस में आई हुई हैं। बाकी क्रेट वाली भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया हुआ है बाकी, और इसमें QBZ की पड़ी हुई है और M672 की भी पड़ी हुई है और बाकी SMG में पड़ी होगी, UMP की स्किन पड़ी हुई है जो कि मुझे परमानेंट मिली हुई थी, बाकी थॉमसन की भी पड़ी हुई है जो परमानेंट मुझे मिली थी। और इसमें सबसे बढ़िया है शॉटगन की मेरे पास नहीं है अभी, एस्ट्रेल के इस बार मुझे मैं ले लूँगा। और सबसे अच्छी जो स्नाइपर में मुझे लगती है वो मेरी M24 की लगती है, M24 की स्किन मुझे परमानेंट मिली थी, वाली बहुत कम लोगों के पास हो सकती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली स्किन। तो कह सकते हैं कि रॉयल पासेज हैं सीज़न 6 के बहुत सारे क्रेट्स हैं, बहुत सारे BS हैं मैंने परमानेंट खरीदी हुई है ड्रेसेस जो कि बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अब आ जाते हैं गाड़ियों की स्किन पर, तो देख सकते हैं US तो भाई भरमार दिए ही हुए थे, PUBG वाले पकड़ा ही गए थे कि हर रॉयल पास में US की स्किन दिए हुए हैं। सबसे पहली जो स्किन थी मेरी वो थी ये वाइट वाली जो सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे थी, ये वाली जो स्किन थी ये मेरी सबसे पहले स्किन थी, उसके बाद ये वाली मिली, उसके बाद रॉयल पास में आई थी ये वाली आई थी, उसके बाद आई थी कि भाई भरमार मचा दिए थे PUBG वाले, पकड़ा ही गए थे मतलब। और भी बहुत सारी स्किन हैं जो आपको मैं गेम्स में दिखाता रहूँगा, US की है, उसकी सेडान की है, बग्गी की भी है, और इमोजी तो आप लोग देख ही सकते हैं भाई आप लोगों के साथ। अब मैं भी खूब बढ़िया डांस करूँगा आप लोगों के साथ। ये सबसे मेरे पहले रॉयल पास का था जिसमें मुझे इमोजी मिला हुआ था, और ये छमिया डांस तो आप लोग जानते ही हैं भाई लोग, एकदम करारा बनता है भाई। तो ड्रेस चेंज करके भाई छमिया डांस करने का मज़ा ही कुछ अलग मिलता है। और ये सब भांगड़ा वाला है, ये है, जितने भी रॉयल पासेस में आए हैं मिले हुए हैं। बाकी मुझे गोल्डन शर्ट जो भी मिला था उसमें का भी मुझे मिला हुआ था इमोजी, और ये सेकंड नंबर का रॉयल पास जो मैंने लिया था उसमें मिला हुआ था। बाकी जो नॉर्मल होते हैं ज़्यादातर है ही, और ये वाला जो थर्ड नंबर वाला ये तो ग्लिच हो गया था, चल ही नहीं रहा है मेरा भी, आप लोग का भी नहीं चल रहा है, कमेंट कीजिएगा। बाकी आ जाते हैं प्लेन की स्किन पे, जितने भी रॉयल पासेस में मिली हुई हैं प्लेन की स्किन मिली थी, बाकी जितने भी क्रेट में उनमें भी मिली थी। और आ जाते हैं अब पैराशूट पे, पैराशूट भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्रेट्स वाले भी पड़े हैं और रॉयल पास भी पड़े हैं। इसमें सबसे अच्छा मुझे सीज़न 8 का कॉन्कर, सीज़न 8 का भी लगता है, सीज़न 7 जितने भी सीज़न के भी पैराशूट आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला तो जानते ही आप, मैं दूसरे वाली ID में यूज़ कर रहा हूँ इसे, क्योंकि उसमें से भी यही एक मुझे परमानेंट मिला हुआ है। यही सब अच्छी अच्छी हैं, बाकी सब सारे सारे इमोजीज़ हैं और भी ड्रेसेस हैं आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल है कि जो भी बंदा शुरुआत से खेल रहा है उसके पास ये सब चीज़ें होंगी, पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो क्रेट से मुझे मिल गई हों परमानेंट, तो इसीलिए मैंने इसको 0 पैसे इन्वेंट्री मैंने रखा हुआ है, 0 rupees इन्वेंट्री नाम रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पैसा नहीं लगाया हुआ, सिर्फ अपना समय लगाया है सीज़न 6 से, और मैं सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रियल ID सब खेलूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आप लोग पूछते रहते हो रॉयल पास क्यों नहीं ले रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो खेलते हैं अब इसी वाली ID से। और आज शाम को मैं BC वर्सेस कर लूँगा, तो शाम को रूम बनाया जाएगा और ढेर सारी तबाही बचाई जाएगी। आप लोग बताइएगा रूम में क्या करना है, मीटअप करना है कि गिव अवे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, गिव अवे करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं, तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने 1K पहुँचाया है, अब देखते हैं आप लोग के सपोर्ट से हम लोग और आगे कैसे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही थी मेरी रियल ID। अब आज शाम से जब हम लोग रूम बनाएंगे तो खेलते हैं रियल ID से ही और ढेर सारी तबाही मचाते हैं और रूम बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।